सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में कश्मीर हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालक रहा है। मध्य युग में मुस्लिम आक्रांता कश्मीर पर काबिज हो गए। जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। पाकिस्तान ने इसके उत्तरी इलाके आज़ाद कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है, जबकि चीन ने भी अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है। भारत इन कब्जों को गैरकानूनी मानता है, जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान और गिलगित के क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ के निवासी अधिकांश मुसलमान हैं, किंतु उनकी रहन सहन, रीति रिवाज और संस्कृति पर हिंदू धर्म की पर्याप्त छाप है। कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिक्यांग तथा तिब्बत से मिले हुए हैं। दोस्तों, 1947 में कश्मीर का विलय भारत में हुआ। आज़ादी के समय कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बचा हिस्सा भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अंग बना। भारत ने यह मामला 1 जनवरी 1948 को ही राष्ट्रसंघ में पेश किया था, किंतु अभी तक निर्णय खटाई में पड़ा हुआ है। उधर लद्दाख में चीन ने भी लगभग 12,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसे कि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से विवाद जनमत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की, जिसे जिन्ना ने उस समय ठुकरा दिया, क्योंकि उनको अपनी सैनिक कार्यवाही पर पूरा भरोसा था। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। भारतीय सेना ने जब राज्य का काफ़ी हिस्सा बचा लिया था, तब इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उभय पक्ष के लिए 2 संकल्प पारित किए। एक, पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना काबिज हिस्से से खाली करे। 2, शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहां की जनता की चाहत के हिसाब से करे। दोस्तों, भारतीय जम्मू और कश्मीर के 3 मुख्य अंचल हैं। जम्मू, जो कि हिंदू बहुल इलाका है, कश्मीर, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, और लद्दाख, जो कि बौद्ध बहुल इलाका है। ग्रीष्म काल में यहाँ की राजधानी श्रीनगर होती है और शीतकाल में यहाँ की राजधानी जम्मू तवी होती है। कश्मीर प्रदेश को दुनिया का स्वर्ग माना गया है। अधिकांश जिला हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। यहाँ की मुख्य नदियाँ जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब हैं। यहाँ कई खूबसूरत झीलें भी हैं, डल, बुल्लर और नागिन। जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या में से 27.38% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात 840 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की थी। बच्चे का लिंग अनुपात शहरी क्षेत्र में 1000 लड़कों में 850 लड़कियां थी। शहरी क्षेत्र की कुल आबादी में 12.41% बच्चे थे। शहरी क्षेत्रों के लिए जम्मू और कश्मीर में औसत साक्षरता दर 77.12% थी, जिसमें पुरुष 83.92% साक्षर थे, जबकि महिला साक्षरता दर
56.65% थी। जम्मू और कश्मीर राज्य की कुल आबादी में से लगभग 72.62% ग्रामीण क्षेत्रों के गांव में रहते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिला लिंग अनुपात 908 था, जबकि बच्चे के लिए प्रति 1000 लड़कों में 865 लड़कियां थीं। बाल जनसंख्या कुल ग्रामीण आबादी का 17.49% है। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर 73.76% और 46.01% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर में औसत साक्षरता दर 63.18% थी। दोस्तों, यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोग अप्रोक्सीमेट 68.31% हैं, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 28.43% हैं। कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय हैं, केवल दक्षिण पश्चिम में पंजाब के मैदानों का क्रम चला आया है। कश्मीर क्षेत्र की दो विशाल पर्वत श्रेणियां हैं, सुदूर उत्तर में काराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय जाशकर श्रेणियां हैं, जिनके मध्य सिंधु नदी की संकरी घाटी समाविष्ट है। हिमालय की प्रमुख श्रेणी की दक्षिणी ढाल की ओर कश्मीर की घाटी है, जो दूसरी ओर पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। कश्मीर का अधिकांश भाग चिनाब, झेलम तथा सिंधु नदी की घाटियों में स्थित है। लगभग 3/4 क्षेत्र केवल सिंधु नदी की घाटी में स्थित हैं। जम्मू के पश्चिम का कुछ भाग रावी नदी की घाटी में पड़ता है। पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जम्मू प्रांत में चला आया है। चिनाब घाटी में किश्तवाड़ तथा भद्रवाह के ऊंचे पठार और नीची पहाड़ियां और मैदानी भाग पड़ते हैं। झेलम की घाटी में कश्मीर घाटी तथा बारामूला किशनगंगा घाटी का निकटवर्ती भाग सम्मिलित है। सिंधु नदी की घाटी में जास्कर तथा रुपशु सहित लद्दाख क्षेत्र, बल्तिस्तान, अस्तोद और गिलगित क्षेत्र पड़ते हैं। दोस्तों, झेलम नदी वैदिक काल में वितस्ता तथा यूनानी इतिहासकारों और भूगोल वेताओं के ग्रंथों में हाइडस पीस के नाम से प्रसिद्ध है। यह नदी वेरीनाग से निकलकर कश्मीर घाटी से होती हुई बारामूला तक का 75 मील का प्रवाह मार्ग पूरा करती है। इसके तट पर अनंतनाग, श्रीनगर तथा बारामूला जैसे प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। राज तरंगिणी के वर्णन से पता चलता है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक झील था, जिसे ब्रह्मासुत मारिची के पुत्र कश्यप ऋषि ने बारामूला की निकटवर्ती पहाड़ियों को काटकर प्रवाहित कर दिया। इस क्षेत्र के निवासी नागा, गांधारी, खासा तथा द्रादी कहलाते हैं। दोस्तों, खासा जाति के नाम पर ही कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। पीर पंजाल तथा हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित क्षेत्र को कश्मीर घाटी कहते हैं। यह लगभग 85 मील लंबा तथा 25 मील चौड़ा क्षेत्र है। इस घाटी में चबूतरे के समान कुछ ऊंचे समतल क्षेत्र मिलते हैं, जिन्हें करेवा कहते हैं। धरातलीय दृष्टि से ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी नालों और सरोवरों के अतिरिक्त कई झीलें हैं। बुल्लर मीठे पानी की भारतवर्ष में विशालतम झील है। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियां इसी झील से प्राप्त होती हैं। पीर पंजाल की श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसून को बहुत कुछ रोक लेती हैं, किंतु कभी कभी मानसूनी हवाएं घाटी में पहुंचकर घनघोर वर्षा करती हैं। अधिकांश वर्षा वसंत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, विशेषतया पश्चिमी भाग में, खूब हिमपात होता है।
हिमपात अक्टूबर से मार्च तक होता रहता है। कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फसल चावल है, जो यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन है। मक्का, गेहूं, जौ और जई भी मुख्य फसलें हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न फल एवं सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। अखरोट, बादाम, नाशपाती, सेब, केसर तथा मधु आदि का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। कश्मीर केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक तथा मरी क्षेत्र के कृषि कम होती है। दून क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अच्छी कृषि होती है। जनवरी और फरवरी में कोई कृषि कार्य नहीं होता है। यहाँ की झीलों का बड़ा महत्व है। कश्मीर की मदिरा मुगल बादशाह बाबर तथा जहांगीर की बड़ी प्रिय होती थी, किंतु अब इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं रही है। कृषि के अतिरिक्त रेशम के कीड़े तथा भेड़ बकरी पालने का धंधा भी यहाँ पर होता है। इस राज्य में प्रचुर खनिज साधन हैं, किंतु अधिकांश अविकसित हैं। कोयला, जस्ता, तांबा, शीशा, बॉक्साइट, चूना, पत्थर, स्लेट, चीनी मिट्टी, अधः तथा बहुमूल्य पदार्थों में सोना, नीलम आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। कश्मीर का मुख्य उद्योग कश्मीरी शॉल की बुनाई है, जो बाबर के समय से चली आ रही है। कश्मीरी कालीन भी प्रसिद्ध औद्योगिक उत्पादन है, किंतु आजकल रेशम उद्योग सर्व प्रमुख प्रगतिशील धंधा हो गया है। चांदी का काम, लकड़ी की नकाशी तथा पाए माशे यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। पर्यटन उद्योग कश्मीर का मुख्य धंधा है, जिससे राज्य को बड़ी आय होती है। लगभग एक दर्जन औद्योगिक संस्थान स्थापित हुए हैं, परंतु प्रचुर औद्योगिक क्षमता होते हुए भी बड़े उद्योगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। पर्वतीय धरातल होने के कारण यातायात के साधन अविकसित हैं। पहले बनिहाल दर्रे से होकर जाड़े में गाड़ियां नहीं चलती थी, किंतु दिसंबर 1956 में बनिहाल सुरंग के पूर्ण हो जाने के बाद वर्ष भर निरंतर यातायात संभव हो गया है। पठानकोट द्वारा श्रीनगर का नई दिल्ली से नियमित हवाई संबंध है। अब पठानकोट से जम्मू तक रेल की सुविधा भी हो गई है। लेह तक भी गाड़ियों के चलने योग्य सड़क निर्मित हो गई है। वहां भी एक हवाई अड्डा है। समुद्र तल से 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी तथा राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इस नगर की स्थापना सम्राट अशोक वर्धन ने की थी। यह झेलम नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है। इस झील तथा शालीमार निषाद आदि रमणीक बागों के कारण इस नगर की शोभा है। अतः इसकी गणना एशिया के सर्वाधिक सुंदर नगरों में होती है। अग्निकांड, बाढ़ तथा भूकंप आदि से इस नगर को अपार क्षति उठानी पड़ती है। यहाँ के उद्योग धंधे राजकीय हैं। कश्मीर घाटी तथा श्रीनगर का महत्व इसलिए भी अधिक है कि हिमालय के पार जाने वाले रास्तों के लिए ये प्रमुख पड़ाव है। जम्मू नगर जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर तथा जम्मू कश्मीर राज्य की जाड़े की राजधानी है। सिंधु कोहिस्तान क्षेत्र में नंगा पर्वत संसार के सर्वाधिक प्रभावशाली पर्वतों में से एक है। सिंधु के उस पार गिलगित का क्षेत्र पड़ता है। हिमालय तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कोरजोक नामक स्थान संसार का सबसे ऊंचा क्रिस्क ग्राम माना जाता है। लद्दाख और बल्तिस्तान क्षेत्र में लकड़ी तथा ईंधन की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। बल्तिस्तान में मुसलमानों तथा लद्दाख में बौद्धों का निवास है। इन क्षेत्रों का जीवन बड़ा कठोर है। पर्यटन जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कौन कौन से जिले हैं? अनंतनाग, बैदगम, बांदीपुर, बारामूला, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कारगिल, कठुआ, किश्तवाड़,
कुलगाम, कुपवाड़ा, लेह, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, रामबन, रेसी, सांबा, सूपियां, श्रीनगर और उधमपुर। पाकिस्तान और भारतीय नियंत्रित हिस्सों को लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी द्वारा अलग किया गया है। भारत के सभी राज्यों की तरह जम्मू और कश्मीर के भारतीय प्रशासित भागों में शासन की बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मुख्य राजनीतिक दलों में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल हैं। वर्तमान में पीडीपी 28 सीटों के साथ पहली सबसे बड़ी और भारतीय जनता पार्टी जिसमें 25 सीटें 87 सदस्यीय सदन में 2014 के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी समर में श्रीनगर होती है और विंटर में जम्मू होती है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की श्रीनगर है और यहाँ पे कुल जिले 22 हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम नरेंद्र नाथ बोहरा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल कुमार सिंह जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। पार्लियामेंट्री के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के राज्यसभा में 4 सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा में 6 सीटें हैं और यहाँ का हाईकोर्ट जम्मू और कश्मीर है। अगर हम बात करें स्टेट एनिमल की तो कश्मीरी स्टैग यहाँ का स्टेट एनिमल है और यहाँ का स्टेट बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन है, जबकि यहाँ का स्टेट फ्लावर लोटस है और जम्मू कश्मीर का स्टेट ट्री जो है चिनार ट्री है। तो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा।